तो दोस्तों विधवा, वृद्धावस्था, विकलांगता एवं दिव्यांगजन पेंशन, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये पेंशन जो है इतनी रुकावट क्यों है, इतनी देरी क्यों हो रही है, लोगों के अकाउंट में ये पेंशन क्यों नहीं आ रही है, कई महीने हो चुके हैं अकाउंट में नहीं आ रही है, तो वो हम बताएंगे। और किस डेट को ये पेंशन आपके खाते में आने वाली है वो भी जानकारी हम बताने वाले हैं, तो लगातार बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। दोस्तों वृद्धा, विधवा, दिव्यांगजन एवं विकलांगता पेंशन आने में देरी हो रही है। जी हाँ, पहले बताया गया था कि अप्रैल महीने में ये पेंशन आ जाएगी, लेकिन अप्रैल और मई पूरा निकल गया लेकिन पेंशन नहीं आ पाई। अब जून में आने की संभावना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक नोटिफिकेशन से पता लगा है कि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जो है ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाई है। अधिकारियों से बातचीत के दौरान ये पता लगा है कि लगभग 90% ई केवाईसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक जो है इन लोगों की पेंशन खाते में नहीं डाली जाएगी। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द अपनी ई केवाईसी जरूर करवा लें, जिससे कि आपको ये पेंशन आपके खाते में डाल दी जाए। और दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पर जो है सत्यापन की प्रक्रिया भी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, जब तक सत्यापन नहीं हो जाएगा तो ई केवाईसी और नहीं हो जाएगी, और तो यहाँ पर जो है पेंशन नहीं डाली जाएगी। सत्यापन में क्या है कि बहुत सारे लोग जो है फर्जी हैं और यहाँ पर पेंशन ले रहे हैं, तो उसी फर्जी वाले को निकालने के लिए, यहाँ पर उनको बाहर निकालने के लिए और जो पात्र हैं उन्हीं को पेंशन दी जाने की प्रक्रिया चल रही है, उनको ही पेंशन दी जाएगी, इसलिए सत्यापन किया जा रहा है, ई केवाईसी की जा रही है। तो हो सकता है आपके गांव में, आपके ग्राम पंचायत में कैंप लगाकर भी आधार के द्वारा जो है सत्यापन किया जाए ग्राम प्रधान के थ्रू, या जो ग्राम प्रधान जो वहां पर सहायक लगा रखा है अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में, एक सहायक जो होता है उसके द्वारा घर घर जाकर सत्यापन किया जा सकता है। यदि आपके गाँव क्षेत्र में जो है सत्यापन का कोई भी कैंप नहीं लगा है तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर ई केवाईसी कंप्लीट जरूर कराएं, जिससे कि आपकी पेंशन आने में कोई रुकावट ना हो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये पेंशन जो है कब तक आएगी, यानी कि विधवावस्था पेंशन, विकलांगता, दिव्यांगजन एवं विकलांगता पेंशन जो है, ये पेंशन इसी महीने यानी कि जून के आखिरी हफ्ते तक आने की संभावना है, क्योंकि 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक ई केवाईसी कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन भी कंप्लीट जहां तक हो जाएगा, और यहां पर डेट कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन इसी जो महीने की आखिरी सप्ताह में जो है पेंशन देने की संभावना बताई जा रही है। यदि ई केवाईसी 90% तक लोगों की कंप्लीट नहीं हो पाती है तो ये डेट आगे भी बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी लोगों को अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाकर ई केवाईसी जरूर कंप्लीट करा लेना है, जिससे कि आपकी पेंशन में आने में रुकावट ना हो और जल्द से जल्द आपके अकाउंट में पेंशन आ जाए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इसी तरह से सही और सटीक जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तो आपसे हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी बेस्ट, बेहतरीन, सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।